गोंडवाना विद्यापीठ के उपकेंद्र चंद्रपुर में देने की मांग सांसद बालू धानोरकर ने मुख्यमंत्री की ओर की। चंद्रपुर गढ़चिरौली के विद्यार्थियों के शैक्षणिक सुविधा के लिए गोंडवाना विद्यापीठ की स्थापना की गई। विद्यापीठ को संलग्न ऐसे सर्वाधिक महाविद्यालय चंद्रपुर जिले में है। विद्यार्थियों की परेशानी को ध्यान में लेते गोंडवाना विद्यापीठ के उपकेंद्र चंद्रपुर में देने की मांग सांसद बालू धानोरकर ने मुख्यमंत्री की ओर की। गोंडवाना विद्यापीठ से संलग्न ऐसे सर्वाधिक महाविद्यालय चंद्रपुर में है। इस महाविद्यालय से हजारों विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं। विद्यार्थियों को प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरौली में होने से चंद्रपुर जिले के विद्यार्थियों को साधन सामग्री के अभाव से समय का और आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिससे अनेक विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय की गंभीरता की दखल लेते हुए सांसद बालू धानोरकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनकी ओर निवेदन के जरिए गढ़चिरौली के गोंडवाना विद्यापीठ के उपकेंद्र चंद्रपुर को देने की विनती की है। यह उपकेंद्र होने पर हजारों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। गोंडवाना विद्यापीठ हे गढ़चिरौली मध्ये आहे। गोंडवाना विद्यापीठाचे उपकेंद्र हे चंद्रपुरात होणे फार महत्त्वाचे आहे, कारण सर्वात जास्त विद्यार्थी म्हणजे सर्वात जास्त कॉलेजेस हे चंद्रपूर जिल्ह्यात आहे, आणि जोपर्यंत याचं उपकेंद्र चंद्रपुरात होत नाही तोपर्यंत इथल्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार नाही। त्यासाठी आम्ही सातत्याने पत्रव्यवहार केले, कुलगुरुशी बोललो, मी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिलं आणि हे उपकेंद्र चंद्रपुरामध्ये आणल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही।